और लेट्स स्टार्ट द टुडेज लेक्चर। आज का हमारा जो लेक्चर है, टॉपिक है, दैट इज द क्रिएट WBS वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड यू ट्राई टू नोट द थिंग्स इन दिस लेक्चर, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि बुक के अंदर नहीं दी गई हैं या पिम्बॉक के अंदर नहीं दी गई हैं, लेकिन उनको हम डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा ये एक्टिविटी ओरिएंटेड होगा, एग्जांपल्स इसके अंदर हमें डिस्कस करनी होगी। इस वजह से ध्यान के साथ चीज़ों को नोट करके चलिएगा, और कोई भी कन्फ्यूजन आ रही हो तो उसको आप नोट कीजिएगा, और सही वक्त के ऊपर आपको क्वेश्चन के लिए आपको पूरा मौका दिया जाएगा। जो इसका पेज नंबर है पिम्बॉक का, दैट इज शॉर्ट फॉर्म में 151 है। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एक्चुअली ये स्कोप स्टेटमेंट का ही एक व्यू होगा। ये एक हमारे पास डायग्राम होगी कि जो स्कोप स्टेटमेंट हम बना चुके हैं ऑलरेडी, उसको हमने एक खास शक्ल देनी है। क्यों देनी है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। आप अपना एक्सपीरियंस जरा रिकॉल करें कि जब आप अपना फाइनल प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे थे, तो उस वक्त आपने अपने प्रोजेक्ट का प्लान बनाया, तो उस वक्त सबसे बड़ा मसला जो शुरू के अंदर आपको प्लान बनाने के लिए आया, वो क्या आया होगा? आई परसीव, आई फील के वो एक्सपीरियंस आपको ये होगा कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक्टिविटीज क्या होंगी, कहाँ से शुरू किया जाए, कौन कौन सी एक्टिविटीज होंगी, उनकी डिवीजन क्या होगी, किसके बाद क्या करना है, सीक्वेंस क्या होगा, ड्यूरेशन किस तरह से हम बनाएंगे, उनको आपस में मिलाएंगे किस तरह से, कौन सा काम कौन कर रहा होगा। ये सारी चीजों का बुनियादी प्रॉब्लम जो निकलता है वो ये होता है कि आपकी एक्टिविटीज कौन सी होंगी, टास्क कौन से होंगे, क्या करना है हमने, व्हाट का आंसर हमें नहीं मिल रहा होता, या हम कंफ्यूज होते हैं, या सही कॉन्फिडेंट नहीं होते कि हमने जो एक्टिविटीज डिफाइन की हुई हैं वो सही हैं कि नहीं है। तो इस चीज का आंसर ये WBS देता है। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हम बनाते ही इसलिए है कि हमारे पास जो स्कोप आ चुका है, जो हम मुख्तलिफ हमने काम करना है, फीचर्स अचीव करने हैं, बनाने हैं, उनके अंदर हैं क्या। तो इस चीज को करने के लिए हम ये जो स्कोप स्टेटमेंट हमारे पास बन चुकी होती है, इसको हमने वो शक्ल देनी है, वो वाला इसका व्यू जनरेट करना है कि जिसकी वजह से हमारे सामने सही तरीके का प्लान बन सके। इट इज सेड दैट द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इज द बैकबोन ऑफ द प्लान। प्लान की ये बैकबोन होती है। जितना अच्छा आप वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाएंगे, जितने अच्छे तरीके के साथ इसको रिफाइन करेंगे, जितना ज्यादा इसके ऊपर काम करके डिटेल्स देंगे, उतना अच्छा आपका प्लान बनेगा, क्योंकि प्लान ने सबसे पहले चीज ये यूज करनी है कि आपके वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के अंदर एक्टिविटीज कौन सी आपने आइडेंटिफाई करके प्लेस की है और उनका स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। तो इसके लिए, इसको बनाने के लिए, कि अगर आप इनपुट्स आउटपुट्स देखें तो वो सारे के सारे ऑलरेडी डिस्कस्ड है। इनपुट्स देखें, अगर आप स्कोप मैनेजमेंट प्लान है, स्कोप स्टेटमेंट है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन है, एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स है, मीन टू से ऑल द थिंग्स व्हिच यू हैव डन ऑलरेडी, दोज विल बी यूज्ड एज इनपुट टू डिफाइन और क्रिएट द WBS। इसके लिए जो टूल एंड टेक्निक यूज की जाती है, दैट इज डीकंपोजिशन। एक्सपर्ट जजमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो सबसे बेहतरीन पर्सन होगा इसको करने वाला, उसको चूज किया जाएगा, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। नॉर्मली तौर पर प्रोजेक्ट मैनेजर और या फिर उसके साथ एसोसिएटेड रिलेटेड या एडिक्वेट मेंबर्स होते हैं, टीम मेंबर्स होते हैं, वो इसको बना रहे होते हैं। डीकम्पोजिशन टेक्निक, इसको समझने की जरूरत है, यही इस्तेमाल की जाती है। बड़ी सिंपल सी कॉमन सी टेक्निक है। इसको हम ये कह सकते हैं कि दिस इज अ टेक्निक विच यूज द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइड एंड कंकर। चीजों को डिवाइड कर दें तो आप उसको तस्खीर कर लेते हैं, मुसक्कर हो जाती हैं, और आप चीजों को सही तरीके के साथ करना शुरू कर देते हैं। और ये वाली जो टेक्निक है, दैट इज यूज लार्जली इन एवरीथिंग। जहां पर भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो, जहां पे चीज बड़ी हो, कॉम्प्लेक्स हो, जहां पे आप काम करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं समझ आ रही कि कहां से स्टार्ट करें, कहां से होगा, तो उसके लिए ये डीकम्पोजिशन या डिवाइड एंड कंकर का जो असूल है, ये हमें बेहतरीन होता है कि आप चीज को समझ के उसके इंडिपेंडेंट हिस्सों के अंदर इसको डिवाइड कर दें, आप समझना शुरू कर दें। जैसे अगर अभी आपसे कहा जाए और जो फीडबैक आपसे मांगी जाएगी, तो माइक ऑन करके अपनी फीडबैक दीजिएगा। अभी आपसे पूछा जाए तो फर्ज करें, और कईयों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा, कईयों को ये जिम्मेदारी मिली होगी कि उनको अगर एक शादी का फंक्शन मैनेज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए जिम्मेदारी दे दी जाए कि यू आर द पर्सन हु विल ऑर्गेनाइज द होल फंक्शन ऑफ अ मैरिज,
फॉर एग्जाम्पल अपने भाई की या अपनी सिस्टर की या किसी और रिश्तेदार की शादी को आपने ऑर्गेनाइज करना है, ये आपको पैसे दे दिए गए हैं, ये सारे की शादी की सारी चीजें आपने देखनी है, जिसके अंदर खाना है उसको भी आपने देखना है, किस तरह से आपने हॉल को बुक करवाना है उसको भी देखना है, शॉपिंग करनी है उसको देखना है, गेस्ट को किस तरह मैनेज करना है उनको देखना है, सारी चीजों को करना है, बताएं इसका प्लान कैसे बनाएंगे। आई विल डू, प्लीज गिव योर फीडबैक बाई ओपनिंग योर माइक। जी कोई फीडबैक देना चाहेगा, बताना चाहेगा कि अगर उसको ये कहा जाए कि उसने शादी का फंक्शन मैनेज करना है तो उसका प्लान कैसे बनाएंगे, उसकी एक्टिविटीज क्या होंगी। लगता है काफी मुश्किल सवाल पूछ रही है आप लोगों से, हालांकि इसके अंदर सारों ने कभी ना कभी इस चीज को लाजमी एक्सपीरियंस किया होगा। सर एस्टिमेट्स लगाए जाएंगे कितना खर्चा आ जाएगा? नहीं एक्टिविटीज बताएं, एक्टिविटीज आप लिस्ट डाउन करना करके बताएं कि ना पहली एक्टिविटी ये होगी फिर ये होगी फिर ये होगी, इस तरह से कोई दो चार पांच एग्जांपल्स हैं एक्टिविटीज कौन कौन सी होंगी। यही प्रॉब्लम है। ओके, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके के साथ इस चीज को किया जाए। आप जरा देखिएगा, आपके सामने अभी एक स्क्रीन आएगी, जरा उसको देखिएगा। जी आपको एक बैंक्वेट की का वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर नजर आना शुरू हुआ है जी। आप जरा इसको गौर से देखें तो देखें जो क्वेश्चन मैंने किया था आपको उसके आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर को जरा और से अगर आप देखें तो इसके अंदर देखिए शादी है और वो मेन हेड ऊपर रखा गया है जिसके साथ नंबर भी आ रहा है, नजर वन लिखा है। उसके बाद शादी के मेन जो काम है उनको छह हिस्सों के अंदर उन्होंने डिवाइड कर दिया, उन्होंने अपने लिहाज से इसको डिवाइड कर दिया है, आप अपने लिहाज से कर सकते हैं। कि जैसे पहले जी प्लान एंड सुपरवाइज ये एक हेड रख दिया गया, डिनर दूसरा हेड रख दिया गया, रूम एंड इक्विपमेंट, गेस्ट, स्टाफ, स्पीकर एक्सेट्रा, तो ये मेन हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। और इनको गौर से देखें ये सारे इंडिपेंडेंट है, नो डाउट दीज आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट द वर्किंग एंड द ऑल द थिंग्स व्हिच मस्ट बी देयर आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, रिलेटेड हैं लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो इस तरह से इनको डिवाइड कर दिया गया। फिर आगे मजीद देखें कि प्लान एंड सुपरवाइज जो पहला मेन हेड है उसके अंदर देखें तो उसके अंदर सिर्फ प्लान के रिलेटेड चीजों को हमने इकट्ठा कर लिया, कि प्लान को क्रिएट करना है, उसका बजट बनाना है, डिसबर्समेंट रिकंसिलिएशन वगैरह को देखना है, कोऑर्डिनेट करना है एक्टिविटीज को, इस तरह डिनर के अंदर सिर्फ डिनर के रिलेटेड चीजें आ जाती हैं। तो इस चीज को जरा गौर से देखें, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ WBS कि ये आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर चीजें डिवाइड करके रख देता है, प्लेस करवा देता है, जिसके अंदर उनका काम करना उनको मजीद डिवाइड करना आसान हो जाता है। कि जैसे प्लान एंड सुपरवाइज को अगर आप लेते हैं और उसको मजीद डिवाइड करना चाहते हैं तो आपका फोकस नैरो डाउन हो जाएगा और आप सिर्फ प्लान एंड सुपरवाइज पे गौर करेंगे और उसकी जो सब एक्टिविटी जो मेन एक्टिविटीज हैं वो आइडेंटिफाई करके प्लेस कर देंगे। जब डिनर की बारी आएगी तो सिर्फ डिनर के बारे में आप सोचेंगे, सिर्फ उस पर फोकस करेंगे और उसके रिलेटेड चीजों को आप आइडेंटिफाई करके यहाँ पे ले आएंगे, जैसे मेक मेन्यू है, क्रिएट शॉपिंग लिस्ट है, शॉप है, कुक है, सर्व डिनर है, बाकी चीजों के बारे में आप सोचेंगे नहीं, आप सिर्फ डिनर के बारे में सोच के उसका काम कंप्लीट कर लेंगे एंड सो ऑन। तो ये इस तरीके के साथ आपके पास काम करना बड़ा आसान हो जाता है। कहाँ पे पूरी शादी के बारे में सोचना है कि क्या क्या चीजें होंगी, और जब इस तरह से आप डिवाइड करते हैं तो उसके जरिए से फिर काम करना बड़ा आसान हो जाता है, आपके पास चीजें छोटी हो जाती हैं और उनके ऊपर उनको रिफाइन करना, उन चीजों को लेके चलना आसान हो जाता है। तो ये दिस इज द एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ द डीकम्पोजिशन।
ये इस तरह से हम डिवाइडेड कंकर के रूल को अप्लाई करते हैं कि चीजों को आप डिवाइड कर दें तो उनको समझना, उस पर काम करना बड़ा आसान हो जाता है। तो असूल क्या हुआ WBS को बनाने का, कि सबसे पहले मेन हेड को लें, उसके बाद उसके मेन कंपोनेंट्स के अंदर उसको डिवाइड कर दें, जनरल उनको इंडिपेंडेंट फंक्शंस के अंदर देख लें। और इसका फायदा क्या होगा, हम दो मेन रीजंस की वजह से ये डिवीजन कर रहे होते हैं कि एक तो ये है कि सारे की सारी चीजें हैं, और दूसरी चीज ये है कोई चीज गलत ना आए, कंफ्यूज ना हो, सही आए और मुकम्मल आए। इस चीज को मेक श्योर कर लेती है जब आप इस स्ट्रक्चर के जरिए से आहिस्ता आहिस्ता चीजों को डीकम्पोज करना चले जाते हैं, तो इस वजह से फिर ये दोनों चीजों के खदशात जो होते हैं वो नहीं आते। एक तो आप सारी चीजों को कर लेते हैं और दूसरी चीजें जो है उनके अंदर गलती आने के चांसेस या तो खत्म हो जाते हैं या फिर कम से कम हो जाते हैं। तो इससे आपको ये कॉन्सेप्ट वाजे हुआ होगा कि किस तरीके के साथ ये कॉन्सेप्ट जो है हमारे सामने चलता है। जी जनाब, कुछ वाजे हुआ है कि WBS हम क्यों बनाते हैं और उसकी स्ट्रेंथ किस तरह से? अब जनाब अली हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसको हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं, उसका WBS आपके सामने रखते हैं और मजीद समझने की कोशिश करते हैं कि एक मुकम्मल WBS फॉर द प्लान हम किस तरीके के साथ बनाते हैं। तो जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं दैट इज ऑफ द पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। इसका स्कोप मैं आपके सामने दोबारा से रिपीट कर देता हूं ताकि वो आपके जेब में दोबारा से आ जाए और उसको इस्तेमाल करके हम आगे चीजों को देख सकें। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है जिसको हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं कि एक कस्टमर है वो एक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम पे आता है जो चीजें खरीदने के लिए, वहां चीजें पड़ी हुई हैं, उनमें से जो वो चीजें खरीदना चाह रहा है उन चीजों को सिलेक्ट करता है। सिलेक्ट करने के बाद वो इन चीजों को लेके सेल पर्सन के पास जाता है। सेल पर्सन उनका डाटा एक्सट्रैक्ट करता है, उनकी क्वांटिटी को देखता है, उनकी टाइप को देखता है, उनकी प्राइस को एक्सट्रैक्ट करता है, करने के बाद इनवॉइस जनरेट करता है, इनवॉइस जनरेट करने के बाद वो रसीद देता है कस्टमर को, और कस्टमर जो है उसकी रसीद के अगेंस्ट कैश में पेमेंट करता है, चीजें लेता है और चला जाता है। ये स्कोप है जी। अब अगर आपसे पूछा जाए इस पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का अगर हम WBS बनाए तो इसके मेन पहला लेवल जो होगा मेन कंपोनेंट्स कौन से होंगे, मेन इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे बताइए जी। ये गुड्स हो सकती हैं, गुड्स का एक कंपोनेंट होगा जिसको आइटम भी आप कह सकते हैं, सेम चीज सेम थिंग इज देयर। पेमेंट सेल्स इन सारी चीजों को इज्तिमाई तौर पे जरा देखें कि इसके लिए जनरलाइज्ड क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। रिसीट भी यानी कि ये उसी कंपोनेंट में आएगा लेकिन उस कंपोनेंट का कोई अप्रोप्रिएट नेम सजेस्ट करें। सर ट्रांजैक्शंस, सॉरी आपकी बात नहीं समझ आई। सर ट्रांजैक्शंस की एक्टिविटी, ट्रांजेक्शन भी जाहिर उसी में आएगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा इस वक्त वाइडली यूज किया जा रहा है ना इसके लिए जो कॉन्सेप्ट है जो वर्ड है दैट इज द इनवॉइस मैनेजमेंट। क्या ख्याल है इनवॉइस मैनेजमेंट के अंदर ये सारी चीज आएगी कि किस तरीके के साथ चीज उन सिलेक्टेड चीजों का डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर उस पर रूल्स अप्लाई किए जाते हैं और फिर रसीद जनरेट की जाती है और फिर पेमेंट होती है और वो चीजें लेके चला जाता है। ये सारी चीजें उसके अंदर आ रही होती हैं तो इनवॉइस मैनेजमेंट का हो सकता है। और कौन सा कंपोनेंट हो सकते हैं जी? दो हो गए हमने हमारे सामने आ गए, एक तो आइटम मैनेजमेंट का, दूसरा इनवॉइस मैनेजमेंट का। और जी पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का एक WBS आपको नजर आ रहा है जी, आप इसको जरा गौर से देखें, टेक हाफ एन मिनट, इसको जरा समझने की कोशिश करें इसमें कैसे डिवाइड किया गया, और क्वेश्चन आ रहा है तो पूछिए।
ओके, मैं इसको जरा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। इसका जो WBS बनाया बनाया गया, इसका जो आपको नजर आ रहा है, इसमें देखिए कि एक तो ये गौर से देखिए कि इसके अंदर पहले जो लेवल के बाद इसके साथ नंबरिंग यूज की गई है, इसको आपने मेंटेन रखना होता है ताकि प्रॉपर स्ट्रक्चर बने। तीन मेन हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया है, आइटम मैनेजमेंट, इनवाइस मैनेजमेंट और रिपोर्ट्स। देखिए इसमें एक चीज को देखना कि हमारा काम सिर्फ इसमें पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से रिलेटेड है। हमने सिर्फ उसका स्कोप है, जितना आपको स्कोप बताया गया शुरू के अंदर कि कस्टमर आता है, चीजें सिलेक्ट करता है, उसकी इनवॉइस जनरेट होती है, पेमेंट करता है, लेके चला जाता है, बस हमारा स्कोप सिर्फ इतना है। ये वही बात है कि स्कोप के क्या डिफाइन करता है, द बाउंड्री लाइन दैट व्हाट वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस आर व्हाट वी आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस। तो जो हमारे कहा है, जो बाउंड्री हमने लगा दी गई है, हमें उसके अंदर रहना है। इसके अंदर कस्टमर मैनेजमेंट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम दैट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, द स्टॉक मैनेजमेंट आर द स्टोर मैनेजमेंट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, वो इस सिस्टम का हिस्से नहीं है। इन्वेंट्री इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। इस सिस्टम का सिर्फ इतना हिस्सा है कि आइटम्स पड़ी हुई हैं, उन चीजों को सिलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उनकी रिसीट जनरेट होती है, इनवॉइस बनती है, पेमेंट होती है, चीजें लेके चला जाता है, बस इतना है। हमने सिर्फ उनके अंदर रहना है, उसके अलावा जो चीजें हैं वो हमारे सिस्टम के रिलेटेड नहीं है, वो चीजें दूसरे सिस्टम के रिलेटेड है। नो डाउट वो सिस्टम आपस में रिलेट करेंगे जब बन जाएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे सामने सिर्फ यही चीज है। तो इस सिस्टम को सामने रखते हुए हमने तीन हिस्सों के अंदर इसको डिवाइड किया है। सबसे पहला आइटम मैनेजमेंट है, जिसके अंदर आइटम्स का रिकॉर्ड रखा जाता है, जो वहां पे आती हैं उनको ऐड किया जा सकता है। उसके नीचे देखिए डिवीजन, हमने सिर्फ आइटम के रिलेटेड की, उनको अपडेट किया जा सकता है, उनको डिलीट किया जा सकता है। दूसरा मेन कंपोनेंट इनवॉइस मैनेजमेंट का है, जिसके अंदर इनवॉइस के रिलेटेड चीजें होंगी। उसमें पहला एक मेन फीचर है, एक्सट्रैक्शन ऑफ द डाटा व्हिच इज सिलेक्ट ऑफ द डाटा ऑफ दोज आइटम्स व्हिच आर सिलेक्टेड बाय द कस्टमर। उसके बाद उसके ऊपर बिजनेस रूल अप्लाई होते हैं। बिजनेस रूल से मुराद क्या है कि जितनी क्वांटिटी और टाइप, जो उनसे टाइप सेलेक्ट की गई है, उनके साथ उसकी उनकी जो प्राइस है उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो हमारे सामने एक फिगर आएगी। उसके ऊपर मजीद रूल्स अप्लाई हो सकते हैं, जैसे टैक्स के रूल्स हैं, जिस तरह से डिस्काउंट्स वगैरह हैं, या कोई पॉलिसी चल रही है, तो वो वाले सारे बिजनेस रूल्स को अप्लाई करने के जरिए आ जाएंगे। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो अल्टीमेटली फिर इनवॉइस को जनरेट कर दिया जाएगा एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अंदर, और उसको वो चीज कस्टमर को दे दी जाएगी। कस्टमर उसके अगेंस्ट पेमेंट कर दिया जाएगा और रिकॉर्ड को अपडेट कर दिया जाएगा। रिपोर्ट्स तीसरा इसका मेन कंपोनेंट होगा। रिपोर्ट्स होते हैं वो हमेशा अलहदा से होती हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ये एग्जाम्पल के तौर पर तीन रिपोर्ट रखी गई है आपको बताने के लिए। एक सेल रिपोर्ट हो सकती है, एक्सपेंस रिपोर्ट हो सकती है, प्रॉफिट रिपोर्ट हो सकती है, इसके अलावा भी रिपोर्ट हो सकती है जो कि कस्टमर डिमांड कर सकता है या उनके अपने काम करने के लिए जरूरी हो सकती है। रिपोर्ट जनरेट होती है बाकी सिस्टम को इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे अगर आप डेटाबेस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आई थिंक सो, बट पढ़ चुके हैं आप लोग, तो आपने उसमें देखा है कि रिपोर्ट्स क्यूरीज होती है, जो कि मुख्तलिफ किस्म के टेबल्स को यूज करके आप डेटा के ऊपर रूल्स अप्लाई करके या मुख्तलिफ किस्म के कॉन्सेप्ट अप्लाई करके एक रिजल्ट निकालते हैं या इनफरेंस निकाल के उसको रिपोर्ट करते हैं। तो उनको अलहदा रखा जाता है और वहां पे उनकी टाइप के लिहाज से, उनकी जरूरत के लिहाज से, इस तरह से उनको मैनेज। अब देखिए अगर सेल रिपोर्ट निकालनी है तो ज़रा इनवॉइस का रिकॉर्ड चाहिए होगा, तो वो रिकॉर्ड यहाँ से लिया जाएगा, इनवॉइस मैनेजमेंट से लिया जाएगा। अगर वो प्रॉफिट की रिपोर्ट चाहिए वो भी यहीं से चाहिए होगी कि आपके पास आइटम की डिटेल्स क्या आ रही हैं और इनवॉइस, उनका कंपैरिजन करके आप प्रॉफिट की रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने उनकी रिपोर्ट्स की टाइप्स को कर लिया है, लेकिन जाहिर है कि वो जब जनरेट होंगी तो वो बाकी सिस्टम को इस्तेमाल करके निकाली जा रही होंगी। अब ये एक तरह का एक WBS का पहला स्टेप आ जाता है कि इस तरह से हम फीचर्स को सामने रख के, फंक्शंस को सामने रख के ये बनाते हैं। और इसको कहा जाता है, जो इस वक्त आपको ये WBS नजर आ रहा है, दिस इज प्रोडक्ट बेस्ड वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ये पॉइंट गौर से समझिएगा, ये जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का WBS, इट इज प्योरली प्रोडक्ट बेस्ड। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट फीचर्स की डिवीजन नजर आ रही है, उनकी डीकम्पोजिशन आपको नजर आ रही है कि फंक्शन जो के फीचर्स होंगे हमारे प्रोडक्ट के अंदर, उनकी डिवीजन क्या है, ये फीचर्स किस तरह से डेवलप किए जाएंगे वो नजर नहीं आ रहा। वो क्या चीज होती है, दैट इज द प्रोसेस, कि किस प्रोसेस के जरिए से ये सारे के सारे फीचर्स डेवलप किए जाएंगे। लेकिन जो प्रोजेक्ट का हमने प्लान बनाना है उसके अंदर दोनों चीजें होनी चाहिए, उसके अंदर प्रोडक्ट भी होना चाहिए, उसमें प्रोसेस भी होना चाहिए। कि ये फॉर एग्जाम्पल हमने आइटम मैनेजमेंट का पूरा कॉम्पोनेंट बनाना है, तो ये बनाया कैसे किया जाएगा, डायरेक्ट का एनालिसिस करना पड़ेगा, इसका डिजाइन बनाना पड़ेगा, इसको कोड करना पड़ेगा, इसको टेस्ट करना पड़ेगा। तो वो जो एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग है, वो यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। यहाँ पे क्या नजर आ रही है, भाई हमने आइटम मैनेजमेंट बनानी है और उसमें ये तीन फंक्शंस होंगे। तो लिहाजा दिस इज प्योरली अ प्रोडक्ट बेस्ड वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर।
तो अब फिर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हमने क्या करना है कि ये तो हो गया सोल अलोन प्रोडक्ट बेस्ड, अब सोल अलोन प्रोसेस बेस्ड वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाया जाए, और फिर उसके बाद तीसरे स्टेप के ऊपर जाके इन दोनों को इकट्ठा किया जाए, इंटीग्रेट किया जाए खास तरीके के साथ, तो फिर हमारे पास एक फाइनल WBS बनेगा। तो अगर ये प्रोडक्ट बेस्ड आपको समझ आ गया है तो फिर हम आगे चल सकते हैं। जी, ये प्रोडक्ट बेस्ड WBS समझ आया जी? अब आपको जरा देखिएगा, ये देखें जी, ये है प्रोसेस बेस्ड WBS। अगेन टेक अ हाफ अ मिनट और देखिए जरा इसके अंदर आपको क्या क्या समझ आती है। दिस इज प्रोसेस बेस्ड वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। अब इसमें गौर से देखिए तो इसके अंदर प्योरली आपको प्रोसेस नजर आ रहा है, ये एक सैंपल प्रोसेस लिया गया है कि जैसे सिंपल हम एक सॉफ्टवेयर को डेवलप या एक कंपोनेंट को डेवलप करने के लिए एक प्रोसेस अप्लाई करते हैं, उसको एनालिसिस करना है, डिजाइन करना है, कोड करना है, टेस्ट करना है। आप जिस तरह का प्रोसेस मॉडल यूज कर रहे होते हैं उसी तरीके के ये वाली फेजेज आ सकती हैं। मैंने यहाँ पे जो आपको एग्जाम्पल दी जा रही है इसके अंदर LSM को कंसिडर किया गया है कि लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल को यूज करते हुए आप एनालिसिस करते हैं, डिजाइन करते हैं, कोड करते हैं, टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर यूजिंग दी रेड मॉडल, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल, तो फिर उसकी फेजेस आएंगी, उसका प्रोसेस यहाँ पे आ रहा होगा। अगर आप स्पायरल यूज कर रहे हैं तो फिर उसकी यहाँ पे आ रही होंगी। यहाँ आप हाइब्रिड यूज कर रहे हैं तो मिक्स जिस तरह से आप उसको कर लेते हैं, बना लेते हैं, करना चाह रहे होते हैं, तो उनकी फेजेस आ रही होंगी और वो फिर मजीद डिवाइड हो सकती हैं। जैसे एनालिसिस है, एनालिसिस के अंदर देखिए अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच यूज कर रहे हैं और UML को यूज कर रहे हैं तो यूज केस मॉडलिंग आपको करनी पड़ेगी, डोमेन मॉडलिंग बनानी पड़ेगी, डिजाइन में जाकर आपको इंस्ट्रक्शन डायग्राम, डिजाइन क्लास डायग्राम और पैटर्न्स को अप्लाई करना पड़ेगा। कोडिंग के अंदर जाके उसको वेकेंट छोड़ दिया गया है क्योंकि कोडिंग और टेस्टिंग जो है वो बहुत ज्यादा वेरिएशन उसके अंदर आती हैं, तो मैं जो भी जहाँ पे जो भी चीज़ दी जाएगी वो कंफ्यूज कर सकती है, तो उसको वेकेंट छोड़ दिया गया। तो उनकी भी डिवीजन इस तरीके के साथ की जाएगी। मजीद समझने के लिए एनालिसिस में देखें, अगर आप स्ट्रक्चर्ड अप्रोच यूज कर रहे हैं तो उसकी डिवीजन के अंदर यूज केस मॉडलिंग नहीं आएगी, वो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच का एनालिसिस जो होता है जिसके अंदर DFD बनती है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनती है या एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनती है, वो आएगी। डिजाइन के अंदर डाटा डिजाइन आएगा, उसके अंदर आर्किटेक्चरल डिजाइन आएगा, इसी तरीके के साथ यूजर इंटरफेस डिजाइन आएगा, कंपोनेंट लेवल डिजाइन आएगा एंड सो ऑन। इस तरह से जिस तरह का प्रोसेस आप यूज कर रहे होंगे उस तरह की चीजें उस प्रोसेस के अंदर आपको नजर आएंगी। तो ये है प्रोसेस बेस्ड वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। जो आप प्रोसेस यूज कर रहे होते हैं उसकी डिवीजन होती है स्ट्रक्चर वे के अंदर कि आप किस तरीके के साथ चीजों को लेके चल रहे होते हैं। जी जनाब, प्रोसेस बेस्ड की समझ आइए जी। जी आप अपना जो प्रोसेस यूज कर रहे होते हैं इसमें प्लानिंग आ सकती है, रिक्वायरमेंट्स आ सकती है, उसके अंदर और बहुत सारी चीजें जो कि आपके प्रोसेस के अंदर आप यूज कर रहे होते हैं आ सकते हैं। जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है इसको बड़ा सिंप्लीफाइड शक्ल के अंदर दिखाया गया है ताकि समझना पहले समझना आसान हो जाए, बाकी आप इसके जिस तरह का प्रोसेस और उसकी फेजेस हो सकती हैं और जो डिविजन करके आप चीजों को लेके आते हैं वो सारी अपने देने होती हैं जो आप करेंगे। मेंटेनेंस जो है ना, ये जहन में रखें कि ये एक ऑप्शनल फेज होती है और बड़ी कॉस्टली होती है। अगर तो आपका क्लाइंट ये चाह रहा होता है तो आप उसको लेके आते हैं, अगर वो नहीं चाह रहा है तो सर आप नहीं लेके आएंगे। और फिर इसकी किस्में होती है, इन्हांसमेंट होती है, करेक्शन होती है, अडेप्टेशन होती है, ये सारी चीजों को देख के फिर आप मेंटेनेंस को इंक्लूड करते हैं। तो ये डिसीजन जा रहे वो प्रोजेक्ट के डिपेंडेंसी के ऊपर होती है, सिचुएशन के ऊपर होती है कि कौन सी चीज आपने रखनी है कौन सी नहीं रखनी। तो ये है जनाब प्रोसेस बेस्ड WBS। अब जनाब देखिए आपके सामने दोनों आ चुके हैं, प्रोडक्ट बेस्ड भी आ चुका है और इस तरीके के साथ आपके पास प्रोसेस बेस्ड भी आ चुका है। अब हमने इन दोनों को इकट्ठा करना है और एक फाइनल हमारे पास WBS आ जाएगा।
एंड दैट इज नोन एज, नोट कीजिएगा, दैट इज नोन एज मेलडिंग ऑफ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट. मेलडिंग, MELDING, मेलडिंग, यानी कि हमने दोनों को मिला देना है, तो हमारे पास फाइनल शेप जो है वो WBS की आ जाएगी, जिस विच कैन बी यूज एज फॉर विच कैन बी यूज फॉर द प्लानिंग ऑफ द प्रोजेक्ट. अब वो क्या है जी, ये जरा देखिए जी कोर्स, और अगेन टेक हाफ अ मिनट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट हाउ इट इज मेड. ये हमारे पास है जी मेलडेड WBS. कि दोनों प्रोसेस और प्रोडक्ट को मिला देने को हम मेल्डिंग कहते हैं, MELDING, मेल्डिंग. ये जिस तरह से आइटम मैनेजमेंट को डिवाइड करके उसका एनालिसिस भी ले आए हैं और उसके प्रोडक्ट फीचर्स को भी हम ले आए हैं, इसी तरीके के साथ नीचे जाके देखें तो इनवॉइस मैनेजमेंट को भी इस तरह डिवाइड कर दिया जाएगा. उसको यहाँ पे दिखाया तो नहीं गया, लेकिन इसी तरह से ये भी डिकम्पोज हो जाएगा और मेल्ट कर दिया जाएगा, इसी तरह से रिपोर्ट्स को कर लिया जाएगा. अच्छा, अब इसमें दो तीन पॉइंट्स को क्लियरली समझ लें कि जब हम मेल्ट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हमें किन चीज़ों को मद्देनजर रखना होता है. एक तो ये कि इसके अंदर ये कोई फास्ट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने सबसे पहले जो डिवाइड करना है तो आपने टॉप के ऊपर प्रोडक्ट रखनी है या आपने प्रोसेस को रखना है, क्योंकि पहले दो आप बना चुके हैं ना, तो उसमें से किसी एक को पहले टॉप से स्टार्ट किया जा सकता है. अब ये कैसे डिसीजन किया जाएगा कि हमने प्रोसेस को टॉप पे रखना है या हमने प्रोडक्ट को टॉप पे रखना है, कोई इसकी इसके लिए कोई खास किस्म का रूल नहीं है. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द ईज ऑफ दीज टू डू दर्क टू डू दर्क. प्रोजेक्ट मैनेजर और टीम जिस तरह से मुनासिब समझती है और आसानी समझती है कि अगर टॉप के ऊपर प्रोडक्ट को रख के हमारा सही तरीके के साथ प्लान बन सकता है तो टॉप के प्रोडक्ट को रख लिया जाएगा, और अगर वो समझते हैं प्रोसेस को ऊपर रख के बेहतर हो सकता है तो प्रोसेस को रख लिया जाएगा. तो आप इसका एक काम कीजिएगा, इस वक्त आप देखें तो टॉप के ऊपर क्या चीज नजर आ रही है, सबसे पहले आइटम मैनेजमेंट नजर आती है, उसी के लेवल के ऊपर फिर इनवॉइस मैनेजमेंट है. इसका मतलब है कि प्रोडक्ट को टॉप पे रखा गया, एक इसका इस तरीके के साथ एक WBS बना है, ये आपने प्रैक्टिस करनी है ये इस लेक्चर के बाद. दूसरा WBS मेरिटेड बनाए जिसके ऊपर आप टॉप के ऊपर प्रोसेस को रखें, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का मेन हेड आने के फौरन बाद आप एनालिसिस ले आए, डिजाइन ले आए, कोडिंग ले आए, टेस्टिंग ले आए, फिर एनालिसिस के अंदर जाके डिवाइड करके लिखें कि वहां पे आइटम मैनेजमेंट का एनालिसिस, वहां पे इनवॉइस मैनेजमेंट का एनालिसिस, वहां पे रिपोर्ट्स का एनालिसिस, फिर उसको मजीद डिवाइड करें इस तरह डिजाइन के अंदर, इस तरह से करके देखें, फिर दोनों को कंपेयर करें तो आपको क्या फील होता है किसको आपको फॉलो करना चाहिए, तो आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि आप एक्चुअल एनवायरमेंट में नहीं है. जब आप एक्चुअल एनवायरनमेंट में होते हैं, सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे होते हैं, तो आपके सामने आपकी सारी लिमिटेशंस, कंस्ट्रेंट्स, अवेलेबल रिसोर्सेज, डायरेक्शंस, गाइडलाइंस, वो सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, तो उनको सामने रख के आपको क्लियरली नजर आ रहा होता है कि हमने प्रोसेस को ऊपर रखना है या प्रोडक्ट को ऊपर रखना है. या प्रोजेक्ट मैनेजर को बड़ा क्लियरली नजर आ रहा होता है कि मेरे पास किस चीज की मेजोरिटी ज्यादा है, जिस चीज की मेजोरिटी ज्यादा होती है उसको टॉप पर रखा जाता है. अगर आपका प्रोसेस मेच्योर्ड है तो आप ट्राई करेंगे कि प्रोसेस को ऊपर वो लीड करें, और अगर आपका प्रोसेस मेच्योर नहीं है तो फिर आप प्रोडक्ट को फोकस करके प्रोसेस को वेरिएट करके जरूरत के मुताबिक एडजस्ट करके चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं. तो इस तरीके के साथ ये चॉइस डिपेंड कर रही होती है कि केस कैसा है, सिचुएशन कैसी है, कंस्ट्रेंट्स कैसी हैं, रिसोर्सेज कैसे हैं, उनके लिहाज से उसको मेल्ड कर लिया जाता है और हमारे सामने फिर वो WBS बन जाता है. तो ये है जनाब मेलडेड WBS. अब इसको जरा वापस अगर हम जाएं एक दो और चीजें उसको भी साथ कर लें, फिर हम क्वेश्चनिंग आंसरिंग के ऊपर चले जाएंगे. पहले प्रोसेस आए जब हमने इसका प्रोडक्ट बेस्ड WBS बनाया, ये बोला. अब यहाँ पे एक दो चीजों को जरा नोट कर लीजिएगा कि जो वोकैबुलरी है इसकी, जो जो लोएस्ट लेवल की इसकी चीजें होती हैं ना, जैसे यहाँ पे आइटम मैनेजमेंट के नीचे नजर आ रहा है एड आइटम, अपडेट आइटम, डिलीट आइटम,
दीज आर नोन एज, जो लोएस्ट लेवल के ऊपर आ जाते हैं, दीज आर नोन एज टास्क आर एक्टिविटीज। ये हैं वो टास्क या एक्टिविटीज जिनको हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, जहां तक हम पहुंचना चाह रहे हैं। तो लोएस्ट लेवल के ऊपर जो चीजें आपकी नजर आती हैं ये होती हैं एक्टिविटी, इन पे एक्चुअल काम होता है, फिजिकल काम इन पे हो रहा होता है। ऊपर वाले जस्ट स्ट्रक्चर्ड हेड्स हैं, वो ऑटोमेटिकली तो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, बन जाते हैं। जो एक्चुअल काम, फिजिकल काम हो रहा होता है, जिन पे हमने रिसोर्सेज एलोकेट करने होते हैं, उनके ड्यूरेशन को देखना होता है, उन पे हमने लोग लगाने होते हैं, उनका सीक्वेंस एडजस्ट करना होता है, वो ये एक्टिविटीज होती हैं। ये वाली जो लोएस्ट लेवल पे आपको नजर आ रही होती है, इन तक और इनकी अंडरस्टैंडिंग आपको ऊपर वाले हेड दे रहे होते हैं कि ये किसके अंडर आ रहे होते हैं। इन एक्टिविटीज जिनके अंडर होते हैं, यानी कि इनके सब सुपरऑर्डिनेट जो हेड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे इन तीन एक्टिविटीज का, एड आइटम, अपडेट आइटम, डिलीट आइटम का हेड आइटम मैनेजमेंट है, इस तरह से एक्सट्रैक्ट डाटा, अप्लाई बिजनेस रूल, जनरेट इनवॉइसेस का हेड इनवॉइस मैनेजमेंट है, और इन तीन रिपोर्ट्स का ये रिपोर्ट हेड। इनको कहा जाता है, नोट कीजिएगा, वर्क पैकेज। ये वर्क पैकेज होते हैं, यानी कि वो वाले हेड जिनके अंडर एक्टिविटीज या टास्क आते हैं उनको वर्क पैकेज कहा जाता है, और इनके अंडर एक्टिविटीज या टास्क आ रहे होते हैं जिनको हम, जिनके ऊपर हम रिसोर्सेज, सीक्वेंस, ड्यूरेशंस अप्लाई करके प्लान बनाए। ये आपकी एक्टिविटी, वो डेफिनेशन ऑफ एक्टिविटीज होती है, या डिफाइन हम एक्टिविटीज को करते हैं और यहां से हम लेते हैं ताकि हमारा प्लान बन सके, और ऊपर वाले स्ट्रक्चर को बरकरार रखते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग कायम रहे कि कौन सी चीज किसके अंडर आ रही है। तो जो फाइनल बनेगा उसके अंदर भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, तो उसके जो लोएस्ट लेवल की जो चीजें आ रही होंगी वो एक्टिविटीज टास्क होंगी, और उसके ऊपर वाले हेड्स हम अंडरस्टैंडिंग दे रहे होंगे कि कौन किसके अंडर आ रहा है, और इनको इस्तेमाल करके फिर हम प्लान बना सकते हैं। अब आपने अपने फाइनल प्रोजेक्ट के अंदर इन चीजों को एडजस्ट करना है, अपने फाइनल प्रोजेक्ट के अंदर जाकर WBS दोबारा बनाए, या नहीं बनाया हुआ तो बनाए और देखें कि आपके इनके जो प्लान है वो कितना रिफाइन हो जाएगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बेहतर हो जाएगी, और इसके मुताबिक इन असूलों के मुताबिक और इन कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक बनाएंगे तो आपका जो प्लान है वो इंतहाई मेच्योर बनेगा, और वो आपको एग्जीक्यूटेबल, डूएबल, एडजस्टेबल, ये सारी चीजें उसके अंदर आपको आपको करने के लिए आपको बड़ी मदद दे रही होगी। तो ये था जनाब वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। अब जनाब हाउस इज ओपन फॉर द क्वेश्चंस। देखिए रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो जो, जो चीज है ना, ये वही चीज है कि जो जो वो प्रोसेस के अंदर मैंने अगेन सिंप्लीफाइड तरीके के तरीके से वो चीजें आपके सामने प्रोसेस में रखी हैं। रिक्वायरमेंट गैदरिंग, प्लानिंग है, मेंटेनेंस है, ये क्वालिटी एश्योरेंस है, रिस्क मैनेजमेंट है, ये सारी चीजें आ सकते हैं अगर वो आपके रिलेटेड हैं, वो हो रही हैं तो लाजमी है। यहाँ पे जो आपको पूरा एग्जाम्पल दी गई है वो एक सिंप्लीफाइड शक्ल के अंदर दी गई है। ये वर्क पैकेज के लिहाज से पहले देख लें, वर्क पैकेज के अंडर वर्क पैकेज नहीं आ सकता, वर्क पैकेज के अंडर हमेशा एक्टिविटीज आएंगी जो लोएस्ट लेवल पे होंगे, यानी कि लोएस्ट लेवल के ऊपर आपके पास एक्टिविटीज या टास्क आएंगे और उसको जो लीड कर रहे होंगे वो वर्क पैकेज होंगे। एक वर्क पैकेज के अंदर वर्क पैकेज नहीं होता, वर्क पैकेज इंडिपेंडेंट होता है, उसके नीचे उसकी एक्टिविटीज होती है। मेल्डिंग के कॉन्सेप्ट को दोबारा देख लेंगे कि मेल्डिंग इज ए कॉन्सेप्ट टू इंटीग्रेट द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट इन अ वे दैट द एक्टिविटीज कैन बी आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंगली एंड दोज कैन बी यूज्ड इन द प्लान। हम जो पहले प्रोसेस प्रोडक्ट बेस्ड WBS बनाते हैं, फिर प्रोसेस बेस्ड बनाते हैं, फिर दोनों को अपनी ईज ऑफ वर्क के लिहाज से, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से, अवेलेबल जो ह्यूमन रिसोर्स है उनके लिहाज से, उनको मेल्ड आपस में मिला लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। आप उनको किस तरह से करना है, जाहिर है ये डिपेंड करेगा सिचुएशंस के ऊपर कि हमारे पास वीकनेसेस क्या हैं, स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उनके ऊपर स्ट्रेंथ्स जो होती हैं उनको टॉप पर रखा जाता है। दोबारा रिपीट किया जा रहा है कि अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो मेच्योर्ड है तो प्रोडक्ट लीड करेगा, अगर आपके पास प्रोसेस आपका मेच्योर्ड है तो फिर वो लीड करेगा। नॉर्मली तौर पर चेंज हो सकता है, वेरिएशन कैन बी गिवन देयर कि किस तरीके के साथ आसानी से किया जा सकता है, तो उस लिहाज से इन दोनों को कर दिया जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने रख दी गई है कि जैसे इस जो हमने बनाया पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का, उसको का एक तरीका उसको मैड करने का ये। अब आप उसके ऊपर देखें और ऑप्शंस क्या हो सकती हैं, वो वाली उसके ऊपर अप्लाई करके कंपेयर करें कि किसके अंदर कौन सी स्ट्रेंथ बनती है, कौन सी वीकनेस बनती है, और उसके ऊपर जो कन्फ्यूजन आती है उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके आए एज अ क्वेश्चन,
कि आपने ये चीज देखी वो किया, फिर वो जब आपने काम किया हुआ होगा ना तो वो आप क्वेश्चन करेंगे तो आंसर आपको दिया जाएगा, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि कौन सी चीज पहले करनी चाहिए। ये लेवल्स का जो क्वेश्चन किया गया है ये इसको भी समझ लें, लेवल के बारे में ये राय नहीं, फिगर आउट नहीं किया जा सकता जी कि किसी भी एक प्रोजेक्ट के लिए 2 लेवल्स होंगे, 3 लेवल्स होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे। ये इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, द डिवीजन और द डीकम्पोजिशन के आप किस तरीके के साथ करते हैं, कितने लेवल्स तक वो जा सकता है, आपका लेवल वर्किंग किस तरह से है। नॉर्मली तौर पे देखा गया है अक्सर प्रोजेक्ट्स के अंदर कि ये मैक्सिमम 3 से 4 लेवल तक मुकम्मल हो जाते हैं, इसे आगे आपको नहीं जाना पड़ता। लेकिन कुछ ऐसे भी देखे गए हैं जिनके 6 6 लेवल्स भी हैं, लेकिन वो रेयर है, एक्सेप्शन है। तो अगेन देर इज नो यू कैन से हार्ड एंड फास्ट रूल दैट दी कितने लेवल्स हो सकते हैं, ये कोई किसी किस्म का तो रूल नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। जी आउटपुट के बारे में जरा देख लें जी, उसकी एक आउटपुट है जी स्कोप बेसलाइन, जैसे आपको इस वक्त आई थिंक स्क्रीन पे नजर आ रही है, आ रही है जी स्क्रीन पे नजर, पिमबॉक का पेज नजर आ रहा है। पहला जी स्कोप बेसलाइन, अब इसको नोट कर लीजिएगा जी, स्कोप बेसलाइन के अंदर 3 चीजें होती हैं, स्कोप बेसलाइन के अंदर 3 चीजें होती हैं जी। फर्स्ट इज स्कोप स्टेटमेंट, जो प्रीवियस प्रोसेस के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया, स्कोप स्टेटमेंट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, और तीसरी चीज होती है जी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर डिक्शनरी। अब इन 3 चीजों को, 2 चीजें हमने डिस्कस कर ली, वर्क स्कोप स्टेटमेंट लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की, WBS अभी हमने डिस्कस किया। ये जो WBS डिक्शनरी है इसको देख लें, WBS डिक्शनरी जिस तरह इसका नाम जाहिर कर रहा है कि ये WBS के अंदर जितने एलिमेंट्स आते हैं जो आप फाइनल आउट बना लेते हैं, हर एलिमेंट की डिटेल्स को हम WBS डिक्शनरी कहते हैं। जैसे हमने पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का भी WBS बना के देखा है, तो इसके अंदर जो फाइनल आउटपुट आपके निकल आता है, फॉर एग्जाम्पल आइटम मैनेजमेंट इज देयर, तो आइटम मैनेजमेंट की हम डिटेल लिखेंगे कि आइटम मैनेजमेंट के अंदर क्या कुछ होता है, इसका आपके करंट सिस्टम डोमेन में मतलब क्या है, इसके अंदर क्या क्या डाटा एज ए इनपुट यूज होता है, उसके अंदर आउटपुट क्या यूज होती है, उसके फ्लोज क्या हो सकते हैं, तो ये सारी डिटेल वहाँ पे मेंटेन कर दी जाए। इस तरह इनवॉइस मैनेजमेंट की मेंटेन की जाए, इस तरह रिपोर्ट्स की मेंटेन की जाए, एनालिसिस को मेंटेन किया जाए कि एनालिसिस क्या होगा, उसका मतलब क्या है, आप कौन सी अप्रोच यूज कर रहे हैं, उसके अंदर क्या डायग्राम्स बनेंगी, तो इस तरह से हर एलिमेंट को आप मेंटेन कर देते हैं, तो दैट विल बी द WBS डिक्शनरी। ये बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और आजकल हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं जिसके अंदर जो डिक्शनरी है वो ऑटोमेटिकली बन रही होती है। आपने ये मुख्तलिफ डेटाबेस के टूल्स इस्तेमाल किए होंगे, करते होंगे, आपने देखा होगा उसमें मेटा डाटा मेंटेन हो रहा होता है, वो डिक्शनरी होती है। तो इसके भी जब आप मेंटेन करते हैं, WBS बनाने के टूल्स को यूज करते हैं, तो उसके अंदर भी ये चीजें ऑटोमेटिकली साथ साथ आप बनाते चले जाएं तो साथ साथ मेंटेन होती चली जाती हैं, क्योंकि ये जितनी डिटेल आप मेंटेन करेंगे इसका फायदा होता है। फायदा क्या होता है, जहां पर कन्फ्यूजन आए, किसी को समझ नहीं आ रही कि इसका मतलब किसी एक एलिमेंट का मतलब क्या है या करंट सिस्टम डोमेन के अंदर उसका मतलब क्या है, उसकी वेरिएशन क्या है, तो वह डिक्शनरी को, इस WBS डिक्शनरी को कंसल्ट करेगा तो उसको समझ आ जाएगी कि इस सिस्टम के अंदर इसका मतलब क्या है, और वो अपना काम सही तरीके के साथ और सही अंडरस्टैंडिंग के साथ कर सकेगा। तो ये WBS डिक्शनरी होती है जो कि मेंटेन की जाती है। तो ये मेन आउटपुट है क्रिएट WBS की। दूसरी आउटपुट जो है प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट, इसके अलावा ये काम करते हुए कोई और प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट अपडेट हो रहा है तो उसको अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये जनाब प्रोसेस था जिसको हम
क्रिएट WBS कहते हैं। नहीं जी, एक्टिविटीज के अंदर सब एक्टिविटीज नहीं होती, वही यहीं पे जाके आपको वर्क पैकेज के अंदर आपने वही एक्टिविटीज डिफाइन करनी होती हैं जो कि डुएबल होंगी, जो हो सकती हैं वहां पे की जा सकती हैं, आपका मजीद डिवाइड नहीं कर सकते आप। तो मजीद भी ऊपर है, ऊपर से जो है आपके हेड्स आ रहे हैं तो उससे आपके आपकी चीजें चलती हैं। ये आपका जो लोएस्ट हेड है ये जेन में रख लें कि WBS का लोएस्ट हेड जो लोएस्ट लेवल जो होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ प्योर वो एक्टिविटीज होंगी विच विल बी एग्जीक्यूटेड, विच विल बी पार्ट ऑफ प्लान, जिनके ऊपर रिसोर्सेज लगाए जाएंगे, जिनके ऊपर टाइम स्पैन लगाया जाएगा, जिनका सीक्वेंस दिया जाएगा, जो आपके स्केड्यूल का हिस्सा हो, उनको मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसलिए आप जब इसको डिफाइन कर रहे होते हैं तो आपने उसका ग्रेनुलरिटी लेवल, उसका मैस लेवल जो है वो रखना, वो सामने रखना होता है कि वो ऐसा हो जो कि डूएबल हो। कहा जाता है यानी कि एज अ एक जनरल ओपिनियन के तौर पर, प्रिंसिपल के तौर पर अप्लाई किया जाता है, एक जो वर्क पैकेज है ना उसको 2 हफ्ते के ऊपर प्लान करने की कोशिश की जाती है किसी एक वर्क पैकेज का। नॉर्मली वेरिएशन दी जा सकती है, हो सकती है, लेकिन नॉर्मली तौर पर उसको समझने के लिए कहा जाता है कि एक वर्क पैकेज जो है वो 2 हफ्ते के ऊपर प्लान किया जाता है। जी, और कोई क्वेश्चन आप करना चाहें यू कैन आस्क ए क्वेश्चन। मुनीबा, मैं आपका सवाल नहीं समझ सका, किस चीज की ड्यूरेशन पूछ रहे हैं? ये वर्क प्लान नहीं, वर्क पैकेज। ये यानी कि ओवरऑल रिसर्चर्स ने ये चीज देखी है, प्रोजेक्ट मैनेजर्स ने देखी है कि जो वर्क पैकेज है उसको जब आप प्लान का हिस्सा बनाएं तो उसको 2 हफ्तों के ऊपर प्लान करने की कोशिश करें। लेकिन अगेन इसको अंदर वेरिएशन दी जा सकती है, लेकिन समझने के लिए या प्लान करने के लिए कहा जाता है कि एक वर्क पैकेज होता है उसके नीचे जो एक्टिविटीज होती हैं उनको 2 हफ्ते पे प्लान करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अगेन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। बिल्कुल जनाब, किसी किस्म की भी चेंज होती है रिक्वायरमेंट्स के अंदर, स्कोप चेंज होता है, कोई ऊपर से कंडीशंस कंस्ट्रेंट ट्रिपल कंस्ट्रेंट चेंज हो जाती हैं तो वो उनका इंपैक्ट जहां जहां आता है उन सबको चेंज किया जाता है, और अगर फॉर्मल उसके अप्रूवल की जरूरत होती है तो फॉर्मल ली जाती है, और अगर प्रोजेक्ट मैनेजर अपने लेवल के ऊपर उसको कर सकता है तो वो अपने लेवल पर कर लेता है। तो जाहिर है जो चेंजेस आती हैं वो तो एंटरटेन करनी, इसीलिए कहा जाता है ना कि चेंज इज इनएविटेबल, वो आएगी तो उसको करना होगा। एक्सपर्ट जजमेंट के बारे में पूछा जा रहा था, उसको भी दोबारा देख लें। एक्सपर्ट जजमेंट से मुराद ये होती है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जो काम जिसका है, जिसका काम उसको साझे, जो जो काम जो सबसे बेहतरीन कर सकता है उसको कहा जाता है। देखिए हर बंदा हर काम नहीं कर सकता, आप जब टीम में काम करते हैं तो टीम के अंदर देखें कि हर एक की अपनी अपनी एक स्पेशलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, स्किल सेट होता है, तो जिस स्किल सेट का बंदा है उसको वो काम दिया जाएगा। आप WBS बनाना है तो आपके टीम के अंदर 10 लोग हैं, 10 लोगों में से WBS सबसे अच्छा एक आदमी बंदा बना सकता होगा या 2 लोग बना सकते होंगे, तो उनको कहा जाएगा कि जनाब आप सबसे अच्छे हैं WBS बनाने के अंदर, तो जनाब ये स्कोप स्टेटमेंट है, ये इनपुट्स हैं, इनको लें और WBS बनाएं। तो जब ये काम कर रहे होंगे तो व्हाट टेक्निक यू आर यूजिंग, द एक्सपर्ट जजमेंट। तो इस तरह से स्कोप स्टेटमेंट को हमने देखा, इस तरह से प्रपोजल है, आगे भी जाके हम मुख्तलिफ चीजें देखेंगे। तो जो चीज जिस जो चीज का माहिर है जब वो बंदा वो काम कर रहा है तो एक्सपर्ट जजमेंट की टेक्निक इस्तेमाल हो रही है। जी, स्कोप बेसलाइन को दोबारा देख लें। स्कोप बेसलाइन में 3 चीजें होती हैं, द फर्स्ट थिंग इज द स्कोप स्टेटमेंट,
Second is the work breakdown structure, and the third thing is the work breakdown structure distribution. यानी कि दो जो तो जो दो प्रोसेसेस हमने लास्ट लेक्चर में और आज लेक्चर में किए हैं वो दोनों की आउटपुट, और उसके बाद तीसरी चीज WBS डिक्शनरी आ जाती है, और WBS डिक्शनरी इज एक्चुअली एक्सप्लेनेशन ऑफ द WBS, जितने WBS के एलिमेंट्स हैं उनकी जो एक्सप्लेनेशन है, उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उसको टेक्स्ट डिपार्टमेंट के अंदर मेंटेन कर ले तो वो आपकी WBS डिक्शनरी बन जाएगी। अच्छा जी, इसका जो मटेरियल है आज के लेक्चर का, इसमें ये एग्जांपल्स जो हैं, इनकी जो फाइल्स हैं और जो वीडियो लिंक है, ये आपको नोटिफिकेशन की शक्ल में इस लेक्चर के बाद आ जाए, तो आप वहाँ से लेक्चर भी डाउनलोड कर सकेंगे और इसके जो फाइल्स हैं एग्जांपल्स की वो भी आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा था कि जी नेक्स्ट के बारे में पहले बता दिया करें, तो नेक्स्ट लेक्चर के बारे में देख लें कि नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ होगी, वेट कीजिए कि मैं आपको बताता हूँ। जी आपको पिमबॉक की स्क्रीन नजर आ रही है जी? ये इसमें स्कोप मैनेजमेंट का जो नॉलेज एरिया है उसको जरा देखिए, स्कोप मैनेजमेंट का नॉलेज एरिया, इसमें देखिए हम कहाँ तक जा चुके हैं, हमने प्लान्स मैनेजमेंट कर लिया, कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स हो गई, डिफाइन स्कोप हो गया, क्रिएट डब्ल्यू हो गया और क्रिएट WBS हो गया, उसके बाद देखिए मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग फेज के अंदर वैलिडेट स्कोप और कंट्रोल स्कोप, ये नेक्स्ट लेक्चर के हमारे टॉपिक होंगे, ये दोनों प्रोसेसेस हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, तो इनको आप पिमबॉक के अंदर पढ़े, बड़ा अच्छा उन्होंने वहाँ पे दिया हुआ है WBS का, क्रिएट WBS की एग्जांपल्स बड़ी अच्छी दी हुई हैं, वहाँ से उस चीज़ को देखें, WBS को रिपीट करें वहाँ पे, और साथ एग्जांपल जो आज हमने डिस्कस किए हैं और लेक्चर लिया है उसको साथ रखें, फिर वैलिडेट स्कोप को पढ़ें, कंट्रोल स्कोप को पढ़ें, ये पढ़ के आएंगे तो आपको समझना और आसान हो जाएगा, तो ये और यही सीक्वेंस चलता रहेगा हमारा। अब हम एक सीक्वेंस में इस तरह ये पेज 87 को फॉलो करें, इस तरह से हम हॉरिजॉन्टली तौर पे मूव करते रहेंगे वन बाय वन, ये स्कोप के बाद टाइम मैनेजमेंट के अंदर उसके प्रोसेसेस को हम करेंगे, तो इस तरह से ये इसी तरह से सीक्वेंस चलता रहेगा। बरत नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या होगा, वैलिडेट स्कोप और कंट्रोल स्कोप।